वाराणसी रैली से पहले केजरीवाल की खुली चिट्ठी पर्चे छपवाकर बताया क्यों लड़ रहे हैं बनारस से मोदी के खिलाफ चुनाव। केजरीवाल ने लिखा, अगर मोदी वाकई विकास पुरुष होते तो मैं उनका खुलकर समर्थन करता। केजरीवाल ने लिखा, पिछले कुछ दिनों में जो तथ्य सामने आए हैं उसके बाद ऐसा लगता है कि अगर वो पीएम बन गए तो आपका सपना धरा का धरा रह जाएगा। केजरीवाल ने बनारस के लोगों से कहा, मोदी जी के काम करने का तरीका बताता है कि उन्हें आम आदमी से ज्यादा खास कंपनियों की फिक्र। केजरीवाल ने कहा, हमने गुजरात के 26 जिलों में जाकर लोगों से बात की, जो कुछ मैंने गुजरात में देखा वही सच मैं आपको बताना चाहता हूं। बनारस के लोगों के नाम संदेश में केजरीवाल ने कहा, मोदी और राहुल गांधी दोनों को हराना जरूरी। केजरीवाल ने लिखा, मोदी और राहुल दोनों में से कोई भी प्रधानमंत्री बना तो देश लूटने वालों के हाथ में चला जाएगा। केजरीवाल ने पर्चे में छपाया, राहुल को हराने के लिए अमेठी में कुमार विश्वास को उतारा, मोदी के खिलाफ लड़ने के लिए मैं बनारस आया हूं। केजरीवाल ने लिखा, इस बार आपका वोट बनारस का नहीं देश का भविष्य तय करेगा। केजरीवाल ने अपने पर्चे में लिखवाया, अगर मोदी जी जीत गए तो कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में आपको इसका पछतावा हो। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का बयान, वाराणसी में कल केजरीवाल पर हमले की आशंका। आज तक से बातचीत में संजय सिंह ने कहा, बीजेपी के लोग केजरीवाल को बना सकते हैं निशाना। बिल्कुल आशंका हो सकती है क्योंकि इनका चरित्र यही है, ये दंगे फसाद नफरत की राजनीति गुंडागर्दी इसमें विश्वास रखते हैं। संजय सिंह के मुताबिक गुजरात में केजरीवाल पर हमले के बाद वाराणसी में भी उन पर हमले की आशंका। निश्चित रूप से जब हम लोग गुजरात गए थे वहां भी हमला हुआ था केजरीवाल जी के ऊपर, उनकी गाड़ी तोड़ दी गई थी, डंडे मारे गए थे। अब यहाँ मैं पिछले 5-6 दिनों से हूँ, लगातार मैं देख रहा हूँ कि 80 के घाट पे कल नुक्कड़ नाटक दिखा रहे थे कार्यकर्ता, उनके साथ मारपीट की गई। बनारस रवाना होने से पहले केजरीवाल ने वाराणसी में जताई हिंसा की आशंका, ट्वीट कर बीजेपी पर जताया शक। केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा, क्या वाराणसी रैली के लिए बीजेपी कोई बड़ी योजना बना रही है। केजरीवाल ने एक लेख का दिया हवाला जिसमें केजरीवाल की तरफ से अपनी ही रैली में हिंसा की आशंका जताई गई है। केजरीवाल ने लिखा, आखिर लोग मेरी रैली में हिंसा की आशंका क्यों जता रहे हैं। आशा बनारस के लिए रवाना होंगे केजरीवाल, कल करेंगे रैली, मोदी के खिलाफ उम्मीदवारी के ऐलान की संभावना। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने केजरीवाल के सवालों को किया खारिज, कहा केजरीवाल का बिगड़ गया है मानसिक संतुलन। नकवी ने कहा, केजरीवाल जो करे वो अहिंसा, दूसरे जो अहिंसा करे वो हिंसा। केजरीवाल जो है वो मानसिक रूप से उनका जो है संतुलन बिगड़ गया है, और ऐसे बिगड़े हुए मानसिक संतुलन के लोगों के बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उनको ये लगता है कि पूरे देश में वो जो हिंसा करते हैं वो अहिंसा होती है, और कहीं और कोई अहिंसा हो रही है तो वो हिंसा हो। मोदी की अपील का नहीं हुआ असर, अब भी बीजेपी के नेता की जुबान पर हर हर मोदी का नारा। जब हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी आए थे तो उन्होंने पहले हर हर महादेव करके जाकर स्वयं बाबा केशव विश्वनाथ जी को उन्होंने प्रणाम किया, वहां जाकर उनका दर्शन किया, संकट मोचन जी किया, तो अध्यात्म अपने ऐसे आस्था के केंद्रों पर स्वयं वो शीश नवाते हैं, इस नाते उसका कोई अन्यथा अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए, वो एक जयकारा से ही उसको लिया जाना चाहिए, हम अपने नेतृत्व का जयकारा करते हैं। हर हर मोदी के नारे पर दिग्विजय सिंह का ट्वीट, कहा शंकराचार्य जी की फटकार के बाद वापस लिया गया नारा। दिग्विजय ने कहा, रावण भी था महादेव का भक्त लेकिन अहंकार ने उसे खत्म कर दिया। रावण भी भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार उनके अहम और अहंकार, उन्होंने बड़ा विकास भी किया, सोने की लंका बना दी, लेकिन उनका अहम और अहंकार उन्होंने डुबा दिया।
नारे को लेकर लालू यादव ने भी मोदी पर किया हमला, कहा महादेव से खुद की तुलना करा रहे हैं मोदी, महादेव करेंगे मोदी का नाश। अब वो महादेव जी बन गया। मैंने शंकर भोले बाबा उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर रहे हैं, अब इसका ये समझो इसका नाश हो गया। जसवंत बाड़मेर से भरा पर्चा, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ेंगे चुनाव। आज दोपहर सहयोगियों के साथ जसवंत पहुंचे कलेक्टर ऑफिस, नामांकन के लिए दाखिल किए कई सेट। नामांकन के बाद जसवंत बाड़मेर में करेंगे रैली, बीजेपी के खिलाफ उठाएंगे बगावत का झंडा। कर्नल सोनाराम को टिकट दिए जाने से नाराज जसवंत, कांग्रेस छोड़कर हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं सोनाराम। जसवंत के खिलाफ वसुंधरा ने खोला मोर्चा, बाड़मेर में कल बुलाई रैली, जसवंत के बेटे को छोड़ सभी विधायकों को बीजेपी उम्मीदवार का समर्थन करने को कहा। टिकट बंटवारे को लेकर बढ़ रही है बीजेपी की मुश्किलें, राजनाथ सिंह के घर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बिजनौर से प्रत्याशी बदलने का विरोध, मुजफ्फरनगर दंगे के दागी भारतेंदु सिंह को बीजेपी ने बिजनौर से बनाया है उम्मीदवार। पहले राजेंद्र सिंह को बनाया था उम्मीदवार, फिर बदल दिया प्रत्याशी, राजनाथ ने दिया पुनर्विचार का भरोसा। बिहार बीजेपी के दिग्गज नेता लालमुनि चौबे के भी बागी तेवर, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर बक्सर से भरेंगे पर्चा। बक्सर से कई बार सांसद रह चुके हैं लालमुनि चौबे, इस बार बीजेपी ने उनको नहीं दिया टिकट। अरिन पाठक के बाद गुजरात के पूर्व राज्यसभा सांसद कांजी पटेल ने भी की बीजेपी से बगावत, कहा सत्ता के सौदागर हैं बीजेपी नेता। पटेल ने वलसाड़ से मांगा था लोकसभा टिकट, कहा सौदेबाजी कर उद्योगपति को दिया गया टिकट। राजकोट के बीजेपी उम्मीदवार मोहन कंडारिया की अजीबोगरीब हरकत, योग कैंप में बच्चों के सीने पर की चहलकदमी। योग छात्रों को पैरों से रौंदकर आगे बढ़ते चले बीजेपी उम्मीदवार, वीडियो देखकर हर कोई हैरान। एक स्कूल के समारोह में पहुंचे थे बीजेपी उम्मीदवार मोहन कंडारिया, जोश जोश में छात्रों की श्रृंखला को चढ़कर किया पार। मोदी की तारीफ के बाद जेडीयू ने साबिर अली को दिखाया बाहर का रास्ता, पार्टी से हमेशा के लिए की छुट्टी। पार्टी से निकाले जाने पर साबिर अली ने कहा मुझे नीतीश ने दिया धोखा क्योंकि मैं एक मुस्लिम हूं। चूंकि मैं मुसलमान का बेटा साबिर अली नाम हूं, मेरे जुबान में ताकत है, जिस्म में ताकत है, जमीन पर ताकत है, इसलिए ऐसे लोगों को पसंद नहीं है। अगर मैं कुर्मी का बेटा होता तो नहीं होता मेरी कटती, वो आज टिकट नहीं कटती। चुनाव से पहले साबिर अली के जाने से नीतीश को झटका, जेडीयू ने साबिर अली को शिवहर से बनाया था उम्मीदवार। पार्टी के किसी कार्यकर्ता द्वारा श्री नरेंद्र मोदी का गुणगान करना न सिर्फ पार्टी विरोधी कार्य है बल्कि अमानवीय कार्य है। फर्जी वोट के लिए उकसाने वाले शरद पवार पर चला चुनाव आयोग का डंडा, महाराष्ट्र प्रशासन से मांगी भाषण की सीडी। चुनाव आयोग ने शरद पवार से हफ्ते भर में मांगा जवाब, पवार के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग से की थी शिकायत। कल नवी मुंबई में शरद पवार ने भाषण में कहा था सतारा में वोट डालकर उंगली से मिटाना चाहिए, फिर मुंबई में भी डालना वोट। सतारा और मुंबई में अलग अलग दिन है चुनाव, पवार ने समर्थकों को दो बार वोट डालने के लिए उकसाया। बयान पर मचे बवाल के बाद शरद पवार की सफाई, कहा मैंने मजाक में कहा था। आम आदमी पार्टी में घमासान, बिहार के पटना में परवीन अमानुल्ला की उम्मीदवारी का विरोध।
परवीन अमानुल्लाह को दिखाए गए काले झंडे रास्ता रोक कर दिया। मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी लगे नारे, कुछ नेताओं का पैसा लेकर टिकट देने का लगाया आरोप। मनीष सिसोदिया की सफाई, कहा पैसा मांगने का ले आओ सबूत, अगले दिन आरोपी को करेंगे पार्टी से बाहर। एक सबूत कहीं कोई दे देगा, जिसका भी सबूत होगा उसको पार्टी से निकाल देंगे अगर पार्टी का कोई पदाधिकारी होगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ स्टिंग करें, और लोगों से भी स्टिंग करें, आप लोग भी स्टिंग करिए, और आम आदमी पार्टी का कोई भी पदाधिकारी अगर टिकट के लिए पैसे के लिए बात करते हुए पाया जाता है तो उसको अगले दिन पार्टी से निकाल देंगे।